इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर्स ने हमें दिए कुछ क्रेजी डेयर्स। तो चलो पहले देखते हैं ट्रिगर्ड इंसान का डेयर। ऑलराइट, तो वंडरर साहब, आपने मांगा मुझसे डेयर, तो मैंने कहा यार हर बार ऐसे छोटे मोटे डेयर देना, ये कर दो वो कर दो, इससे बढ़िया है इस बार तेरे को कुछ ऐसा डेयर देने का सोचा है मैंने, तो प्रोबेबली तू नहीं कर सकती जितना मुझे लगता है, या कर भी सकती है। तो तेरे लिए डेयर है स्काई डाइविंग, गो एंड डू इट, क्योंकि मैंने तो नहीं करी है पर तू कर। तो फाइनली निश्चय का डेयर पूरा करने हम आ गए अबू धाबी स्काई डाइव करने। और गाइज मुझे बहुत डर लग रहा है, लिटरली इतना डर मुझे पहली बार तब लगा था जब मैं शादी करने वाली थी, बट मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। यार मुझे ना बस एक यही चीज थी जो नहीं करनी थी लाइफ में, मुझे सच्ची में नहीं पता था निश्चय ऐसा डेयर देंगे। अच्छा चलो आपको भी जंप कराती हूँ, आओ बेटा लेट्स गो। को पता है मुझे हाइट से डर लगता है यार, इसकी क्या जरूरत थी यार, मैंने कहा था मैं अशर को संभालता हूँ, इसने पता क्या प्लान करा, पहले तू जा फिर मैं जाऊंगी। देख इसीलिए तो मैं पहले जा रही हूँ, मैं डाइव करूंगी पहले और उसके बाद तू जाइयो। निश्चय क्या जरूरत थी यार इस डेयर की यार, उसने तो बेचारे ने हमें एकदम थ्रिलिंग सा डेयर दिया कि तुम लोग तो इतने मजे करते हो, ऐसी चीजें करते रहते हो। कब करी है? कभी नहीं करी, मैंने तो कभी नहीं करी भाई, ये करते हैं ना। नहीं प्लीज, अरे मटर अशर मना करते हैं, मना करते हैं, नहीं नहीं कर लो पापा, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। गाइस अगर आप भी आ रहे हो अबू धाबी स्काई डाइव करने तो देख लो यहाँ पे, ये इतनी सारी एक्टिविटीज, इसकी ये प्राइसिंग रहती है। भाई चैलेंजर प्रेरणा एकदम रेडी है। तो सर की मुझे फिल्म करने वाले हैं, इनको हिंदी आती है, चलो जंप करें। तो गाइस मैं बिल्कुल रेडी हूँ जंप करने के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने एक्साइटेड मैंने कभी नहीं फील करा, पता नहीं क्यों नर्वसनेस हो ही नहीं रही, पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं नर्वस होंगी क्या होगा, और फिर क्या था मैं रेडी हो गई अपनी फर्स्ट डाइव के लिए। थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी घबराहट थी, पर जैसे ही वो फर्स्ट डाइव करी ना, प्लेन से छलांग मारी, गाइस इट वॉज क्रेजी, इट वॉज एपिक, ऐसा थ्रिल मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं किया। थैंक यू निश्चय, थैंक यू अबू धाबी ये पॉसिबल करने के लिए, आई लव दिस, मैं दोबारा करने वाली हूँ ये। Don't worry Harsh, you're in good hands. हो जाएगा। तुसी जा रहे हो, तुसी जल्दी जाओ। मुझे नहीं जाना, I'm scared. मेरे को ऊंचाइयों से डर लगता है। कुछ नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तेरा कैसा था? Life changing experience था actual में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं सही दिखाया था। Sky diving करके ऐसे अंदर ने का अलग सी वो होती है। और मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला मुझे, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अशर तेरे से कैसे प्राउड हो गए, देखो क्या कर रहे हैं यार। पूरा मैं तैयार हूँ, पम्प्ड अप हूँ, करके दिखाएंगे, डेयर मिला है तो उसे पूरा करेंगे। लैंडिंग साइट पे मिलते हैं। सर पकड़ के बैठ गया, सब कुछ ठीक था, प्लेन में सही था, प्लेन से जब मारी तब भी सही था, बट जब वो पैराशूट ओपन हुआ और ऊपर गए और उसके बाद जो उसने ऐसे ऐसे किया ना, मेरा सर घूम गया, मैंने तभी कह दिया भाई उतार दे, भाई लैंड करा दे, बस भाई मेरे सच में दिल अच्छा था, मैं सही कहूंगा, पर तूने तो उतार दिया ना। बट वो पैराग्लाइडिंग वो नहीं सही है, वो चक्कर आ रहे थे। प्रेरणा दीदी मेरी बहिना, अब आप सुनो मेरा डेरवा। देखो ऐसा है, मैं तो घर का छोटा बेटा हूँ तो मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता है, पर आप तो घर के सबसे बड़े बच्चे हो ना, तो आप जाओ सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर जो है उसको झूलो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और रिकॉर्ड करो, और अच्छा लगे तो एक बार और झूलना, फिर एक बार और झूलना, तो मतलब अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना, ठीक है? चलो बाय गाइस। वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, आई कांट बिलीव इट, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, मैं तो पक्का बैठने वाली हूँ उसके अंदर, ताम से तड़ूम करने वाली हूँ, बहुत डर लग रहा है सच्ची बता रही हूँ, हालत तो खराब है बट जाना तो पड़ेगा। बेटा आप करना चाहते हो वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर? हाँ मामा मैं करना तो चाहता हूँ, बट अभी मैं छोटा हूँ, मेरे को जाने नहीं देंगे अंदर, क्या करूँ, मैंने तो पूरी फरारी की टी शर्ट भी पहनी इनको उल्लू बनाने के लिए, पर मेरे को अंदर ही नहीं जाने देंगे। तू कर ले यार, मेरी बस की नहीं है। अरे यार कर लेगा तू, पहले तू फिर मैं। 250 की स्पीड है पता है, क्या हो गया, मैं इतनी तेज वाली गाड़ी में नहीं बैठा आज तक। लेट्स गो। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि रोलर कोस्टर किस स्पीड से जाता है, ऐसे रोलर कोस्टर में बैठ जाओ और फिर वो ऐसे उड़ता है। अशर पापा फास्टेस्ट रोलर कोस्टर करने जा रहे हैं, बाय बाय कह दो, मजा आएगा उनको, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कह दो। हर्ष गोप्रो सेट करे, हर्ष अलाउड ही नहीं है गोप्रो, सही में जा के बाय हर्ष। भाई फाइनली बैठ गया हर्ष। कैसा रहा?
मत पूछ भाई। आवाज क्यों नहीं निकल रही तेरी? पसीने पसीने आ गए इसको तो। ऊपर नीचे पता है, पूरी हार्ट बीट ऊपर नीचे। मत कर बेटो मैं। गाइस मुझे तो समझ नहीं आ रहा हर्ष को क्यों इतना मुश्किल लगा था। अभी मैं जा रही हूँ हर्ष, देख कैसे बैठा जाता है रोलर कोस्टर में। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था तो मैंने बोला कंपनी के लिए तुम चलो मेरे साथ। तो ये दो नौजवान मुझे लेके जा रहे हैं फास्टेस्ट रोलर कोस्टर करने के लिए। मैं डर बिल्कुल नहीं रही हूँ। तकनीकी खराबी के कारण कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। वो कह रहे हैं हम स्लो चलाएंगे क्योंकि प्रेरणा जा रही है डर को। क्या जरूरत है यार इसकी, क्या जरूरत है मुझे बता भाई। थ्रिल आता है, फन आता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा थ्रिल यार मेरी लाइफ में। ये रहा थ्रिल और फन, ये तो हो गया यार, बहुत अल्टीमेट है यार। मैं कह रहा हूँ देख ले, मना कर दे। देख एक बंदे का डेयर था, मैंने कर लिया ना। चक्कर आएंगे, वापस नहीं आ पाएगी, देख लियो। गलत बोलता है। मैं चाह रहा था तू बच जाए। आई वॉन्ट यू टू सेव। तो प्रेरणा हो जा रही है व्हाइट शर्ट में। ऐसा एड्रेलिन रश आ रहा था ना अंदर, क्या बताऊं। दुनिया की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, क्या मजाक है गाइस। इट वाज क्रेजी। मतलब यार सारे क्रेजी चीजें अबू धाबी में ही होती है क्या? यार सच में खास है। अबू धाबी कैसा लगा? ओह माय गॉड, इट वाज क्रेजी। मैंने कहा था ना एपिक, मुझे उल्टी आ रही है भाई। अचरज हो गया पता है। अरे मम्मी को मैं ऐसे नहीं देख सकता। सांस रुकी हुई है, मेरा दोबारा जाने का मन कर रहा है। मैं तो कभी ना जाऊं। अबू धाबी आ रहे हो तो ग्रेट फास्टेस्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट भाई यार। भाई अब थोड़ा सा हार्ट बीट कंट्रोल में आया है। जब आप करते हो ना एक्चुअल में झूले पे बैठते हो, आपको पता नहीं आप किस चीज के लिए साइन अप करो। मतलब आपको पता है कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, बट जब आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हो ना, अभी भी मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है। बहुत बढ़िया यार फॉर्मूला रोसा, मजा आ गया जिंदगी का। बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी, मैं कभी नहीं करूंगा। अरे मैं दोबारा आऊंगी अबू धाबी। तेरा वो है ना, तू करती रह, देख ऐसी हालत होती है, पूरा फेस फट जाता है। तुम दोनों बहुत ज्यादा ब्रेव हो, तुमने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे एडवेंचर करे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अशर भी तुम्हारी तरह बहुत ब्रेव हो। तो मेरा डेयर ये है कि एक बार अशर को भी राइड कराओ, बट कंडीशन ये है कि वो रोए ना और डरे ना। तो गाइस हम तो बैठ गए हैं वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में। अगला डेयर मिला है अशर को, अशर को राइड कराओ। भाई 8 महीने के बच्चे को राइड कैसे कराएं? कराएं तो कैसे कराएं? हर्ष बता कैसे कराएं? भाई मैंने ढूंढ लिया एक फरारी में बैठ के उसको ना, फरारी चलवाते हैं, बड़े आराम से स्लो स्लो राइड है, बच्चा आराम से कर सकता है। पक्का? यस श्योर है। बच्चे के लिए भी? 8 महीने के बच्चे के लिए? अब कैब दे दे। नहीं मैं नहीं दूंगी। चलो अशर को राइड करा के आते हैं, उसकी पहली राइड। क्या डेयर दिया भाई, ऐसा डेयर की पूरा ही ना हो पाए, पर हम भी ढीठ है, करके दिखाएंगे। तो टीम रेड वर्ल्ड रोलर कोस्टर करने। अशर तू सबसे बड़ी वर्ल्ड की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर में जा रहा है? अबे कोई नहीं, छोटी सी गाड़ी है, फरारी आ जा। पहली तो है अशर, हम चलाएंगे रेड वाली। रेड रेड यू रेड मी रेड कार रेड। अच्छा बड़ा एक्साइटेड होके देख रहा है, कह रहा है दोनों करी जा रहे थे, मेरे को तो फन कराया नहीं। ऐसा कोई डेयर नहीं जो अशर और पापा ना कर सके। अशर और पापा ड्राइव कर रहे हैं फरारी। हाय प्रेरणा दी, मेरे को आपको ये डेयर देना है कि देखो मुझे ना जिराफ बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं बहुत देखती हूँ कि लोग जिराफ को खाना तो खिला के आते हैं पर उनके साथ कोई खाना खा के नहीं आता। तो मेरे को आपको ये डेयर देना है कि आप जाओ और जिराफ के साथ खाना खा के आओ। ओके ऑल द बेस्ट। ये रियल है प्रेरणा। ओके गाइस तो अपना डेयर कंप्लीट करने हम आ गए अबू धाबी एमिरेट्स पार्क जू। आज हम जिराफ को ब्रेकफास्ट नहीं, हम जिराफ के साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ये रियल है ना? ये रियल है और मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत फास्ट आ रहे हैं, पर मुझे क्या लग रहा है बहुत फ्रेंडली, मैं इन्हें टच कर सकती हूँ। आई कैन टच देम। पहले कुछ खिलाना पड़ेगा इनको प्रेरणा? हाँ मुझे लग रहा है इनको पहले खाना खिला देते हैं, उसके बाद हम खाना चलेंगे। तो पहले हम इनको ब्रेकफास्ट देने वाले हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट खाने वाले हैं। बेसिकली हम इनके साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट तो बहुत बार कर रहे हैं, बट जिराफ के साथ पहली बार करने वाले हैं, और ये बहुत ही मजेदार डेयर है। आई एम सो एक्साइटेड। अशर बहुत एक्साइटेड है। अशर ये कौन है? लंबे लंबे कौन है? जब से आए तब से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन है वो, देख वहां से आ रहे हैं, क्या हो गया। चलो फिर स्टार्ट कर दे अपना ब्रेकफास्ट विद जिराफ। इसका नाम अभी है? अभी या एबी? अभी एंड हाउडी। अभी मैरी। मैरी अभी हाउडी मैरी। मेरा भाई है ये अभी। ओके ट्राई करते हैं। 1 2 3 गो। प्रिया लेटेस्ट तो तू भी खाती है, तेरा नहीं मन कर रहा खाने का लेटेस्ट?
और फाइनली अशर ने फ्रेंड बना लिया है एबी को। हे अभी ओ भाई अभी की गर्दन खत्म ही नहीं हो रही। अरे अरे अरे, 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 अरे भाई अरे ये वाला मुझे खा जाएगा। तो यहाँ पे हर्ष की फोटोज लेने की कोशिश हो रही है। हर्ष यहाँ पे जिराफ को खिला रहा है खाना। नहीं तो यार तो वहाँ ध्यान देना फोटो में मेरे सिर के ऊपर है। ओ अशर देख आराम से बैठे। इसको कितना डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था मेरे को, मतलब मजा आ रहा है। मजा आ रहा है स्टार्टिंग में लग रहा था मेरे को, लगा पहले वो अशर को ना खा ले गई। अच्छा अशर अपना आराम से वहाँ ड्रम बजा रहे, तेरे को इतना अभी डर लग रहा है। गाजर खाते आ रही है, कितने क्यूट है यार। देखो इसकी नेक हमेशा आके पोज कर रहे है कितने मजे से। ये तो बहुत ही कमाल का डेयर है, मतलब ऐसा डेयर तो वर्ल्ड बेस्ट डेयर है। बार बार दो। ये देखो मेरे साथ एशियन ड्रमर आए हैं। ले मुझे पता था ये कुछ करने वाला है। ओ यार इनकी नेक कितनी सही है ना, ये इतना डर रहा था यार। इतने सुंदर क्रिएचर, पता है स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था मेरे को, फिर अब ऐसा लग रहा है इनके दांत ही नहीं है मेरे को उन्होंने बताया। हमें ना ढूंढ ढूंढ के सबने डेयर्स दिए। कभी कहते हैं पेंगुइन से मिलने अंटार्कटिका जाओ, कभी कहते हैं जिराफ के साथ ब्रेकफास्ट करो। अभी उनको लगा कि कीनिया में ही होता है ब्रेकफास्ट, बट यहाँ अबू धाबी एमिरेट्स पार्क जू में होता है यार। सारी चीजें ढूंढ ली हमने है ना, सब कुछ ढूंढ लिया। मेरे कपड़े हाँ सही लग रहा है। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है फाइनली। ब्रेकफास्ट टाइम है और देखो हम जिराफ के साथ बैठ के प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग है हम अलग, साथ में कर रहे हैं लाइक अ फैमिली। और हमारा ब्रेकफास्ट विद जिराफ पूरा हो चुका है। हर्ष बिना फीडिंग के टच नहीं करने का। एंड यहाँ पे हर्ष और अशर, अशर टच करें, अशर ने बहुत खाना खाया भाई। अशर ने टच नहीं किया, सबसे ज्यादा खाना अशर ने खाया है। अशर ने टच कर दिया। लाला कह रहे दोबारा करूंगा पापा, दोबारा करूंगा। अरे कुछ दोस्त को खाने का आगे 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 टच कर दिया। एक और बार कर दिया, एक और बार कर दिया, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। इतना खुश हो रहे हैं उसको टच कर दिया। अब हम अशर को जिराफ के बाद दिखाएंगे हिप्पू। फाइनली हिप्पो आ गए हैं बाहर पानी से। गाइस जिराफ्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद ना यहाँ पे ट्रेडिशन है कि ड्रमर्स के साथ डांस करना पड़ता है, तो ट्रेडिशन कंटिन्यू करते हैं। एवरीबॉडी हाय, हेलो, वेरी वेल, थैंक यू, होप यू ऑल फाइन। हेलो प्रेरणा दी, कैसे हो आप? मैंने सुना कि आप डेयर कर रहे हो, तो मेरा डेयर आपको ये है कि आप पेंगुइन से मिल के आओ। पेंगुइन बड़े क्यूट होते हैं, तो आप उनसे मिल के आ जाओ एक बार। तो भाई डेयर तो बहुत तगड़ा दिया था कि पेंगुइन से मिल के आओ। अभी अंटार्कटिका जाना कोई सौखा काम थोड़ी है, इतने महीनों की प्लानिंग लग जाती है अंटार्कटिका पहुंचने में। तो मैंने सोचा एक सबसे सही जुगाड़ है मेरे पास। अरे हमारे घर से 3-3.5 घंटे की फ्लाइट लगे अबू धाबी में भी तो पेंगुइन्स मिलते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ पेंगुइन्स उनके नेचुरल हैबिटेट। इतनी अच्छी तरह से इन्होंने पेंगुइन्स को प्रिजर्व किया ना, उनसे हेलो करके आते हैं। चलो आपको दिखाऊं, बहुत एक्साइटेड हूं मैं। भाई नकली वाला अंटार्कटिका? नकली नहीं है, ऑलमोस्ट असली है, असली पेंगुइन्स है। चल थैंक यू आदर्श इतना क्यूट डेयर देने के लिए। पेंगुइन से मिलना मेरा तो सपना ही था, मुझे नहीं लगता था कि कभी पूरा होने वाला है, बट अभी अबू धाबी में ही पूरा हो गया। चलो कभी ना कभी तो अंटार्कटिका भी जाएंगे, पर अभी इन क्यूटीज को यहीं पे हेलो कहते हैं। कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, मैं तो खो गई इस दुनिया में। वैसे आपको कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा पसंद है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। चलो अभी इनके साथ बैठ के पिज्जा खाते हैं। भाई एक्चुअली ना सुबह से घूमते घूमते थक गए हैं, तो हमने सोचा बैठते हैं पेंगुइन्स के साथ और पिज्जा खाते हैं। मार्गेटर पिज्जा लिया है। पिज्जा वेरी नाइस। पेंगुइन से मिलके देखा हमने अपना डेयर पूरा कर लिया। एनीवे अगर इस वीडियो पे आते 500K लाइक्स तो मैं तो अंटार्कटिका जाने वाली हूँ। बहुत हो गया, अभी अंटार्कटिका का प्लान बनाना ही पड़ेगा, जितना मर्जी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, भाई जाना है तो जाना है। भाई तो आप बताओ कमेंट्स में आप कौन सी कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे पहले घूमना चाहते हो? पता है आपको कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं? चलो सर्च करो, अगले डेयर की तरफ भागते हैं। हेलो प्रेरणा दी, तो आज मैं आपको एक खतरनाक वाला डेयर देने वाली हूँ। आपको बस स्कूटर चलाना है फुल स्पीड पे, वो भी पानी के ऊपर। तो देखते हैं आप कैसे ये डेयर करते हो। तो अपने अगले डेयर, अगले चैलेंज के लिए हम आ गए जेट स्की एमिरेट्स पैलेस, और हम करने वाले जेट स्कीइंग, पर हम किसी के पिलियन नहीं होने वाले, हम अकेले अकेले करने वाले। कितना डर लग रहा है। मैं तो ना धीरे धीरे चलाऊंगा ताकि गिरूं ना, पानी से वैसे मुझे डर लगता है। मेरे को अकेले चलाने में दिक्कत है, मैं मेरे साथ किसी और कोई बैठा हो ना तो मैं आराम से कर सकती हूँ, कुछ है ही नहीं। गिरेगी पानी में तो बच जाएगी, तेरे को स्विमिंग आती है, मेरा क्या होगा? अरे कोई ना गिर रहा, पर मुझे अकेले डर
लगता है ऐसे स्कूटर पानी में चलाने में। कभी वहाँ ऊपर टांग देते हो, प्लेन से नीचे कूद जा, कभी पानी के अंदर घुस जा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसे डेट मांगे थे तूने, सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी प्लानिंग है। और हर्ष रेडी है, सबसे पहले यही जा रहा है, खतरों के खिलाड़ी। ऑल सेट, मैंने इंस्ट्रक्शंस ले लिया है, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, सीधे सीधे चलाना है बस। चल ठीक है, स्ट्रेट रोड। अगर पानी में गिर गया तो फिर मैं बचाने आ जाऊंगी। तू कभी नहीं आएगी। बाय। आई विल डू एकदम डेयर डेविल वाली फील आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि धूम की दुनिया में पहुंच गए। और अभी सामने से जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन एंट्री मारते आएंगे अपनी जेट्स की पे। ओ यार, इट वाज सो मच फन। भाई क्या मजा आया जेट्स की करके, सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एक्टिविटीज। बहुत ही बढ़िया डेयर था, कमाल का था। सारे डेयर करने के बाद मैं हमेशा ये बोलती हूँ कमाल का था, आप सब भी ट्राई करो, मजा आएगा। विजिट अबू धाबी, सब कुछ ट्राई कर सकते हो आप। सो हमारी तरफ से दी और जीजू के लिए ये डेयर है कि आप लोगों को बिना पैराशूट के उड़ के दिखाना है, और हमारी नजर आपके ऊपर रहने वाली है, देखते हैं कैसे पूरा करके दिखाओगे आप। अगला डेयर करने के लिए हम आ गए अबू धाबी क्लाइम। यार ये पॉसिबल नहीं है प्रेरणा, यार ये हवा में छोड़ देंगे हमें। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल। तेरे को पता है चौथी मंजिल से फेंकेंगे और आप हवा में उड़ रहे होगे बस। कुछ भी मत बोल यार। यार ये बहुत मुश्किल है यार। हर चीज ही मुश्किल होती है, हर डेयर मुश्किल होता है। हम मैं ना एक काम करता हूँ, अक्षर को संभालता हूँ, तू कर ले। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डन, बाय। हार गया मैं, कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय। आजा आजा, मुझे पता है तुझे भी करना है। अरे आजा, अरे आजा, बड़े हो के अक्षर को क्या मुंह दिखाएगा, करना है इतने से क्लाइम से डर गया। अगले दो मिनट में जो होने वाला है ना गाइस, आप भी अपनी आंखों पे बिलीव नहीं करने वाले। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ। ब्रीफिंग होने वाली है और फिर हम इस चेम्बर के अंदर, एग्जैक्टली इस चेम्बर के अंदर उड़ने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। सेफ्टी ब्रीफिंग हो रही है यहाँ पे हमारी, मैंने पूरी देख ली है। एक बार फिर से स्टार्ट होगी, तो मैंने सोचा चलो फिर रेडी हो जाते हैं फ्लाई करने के लिए। फ्लाई करेगा मेरे साथ श्री? अभी नहीं मम्मा, मैं छोटा हूँ, फिर करूँगा। मैं अकेले होने वाली हूँ चेम्बर में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई तू स्पेशल है ना, जा। वहाँ कितने सारे लोग हैं, मैं अकेले होंगी। अपना हेलमेट बंद कर, जा। मैं देख रहा हूँ प्रेरणा पूरी कोशिश कर रही है पर उसको दिक्कत हो रही है, तो भाई मेरे को कितनी दिक्कत होगी। हर्ष बैठा हुआ है डर के, क्या होने वाला है पता नहीं। ये देखो जीत पा के आए हैं। बहुत मजा आया, कर ही लिया तूने। ये मैं नहीं कर पाई, तूने कर लिया। और इतने क्रेजी डेयर्स करके, इतने सारे एडवेंचर्स करके, मैं और हर्ष आके अपनी एडवेंचर बकेट लिस्ट पूरी करके घर वापस। अशर ने भी बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया, और आप भी इंजॉय कर सकते हो इन अबू धाबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।